everyone, welcome back to my channel that is Style by Bhumika. मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका. अगर आपको फैशन, ब्यूटी और हॉल की वीडियोस देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच. और उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन, उसे प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. मेरी वीडियो संडे और वेंसडे सुबह 11 बजे आपको मिल जाएगी. सो आज का वीडियो ऑल अबाउट वैलेंटाइन डे आउटफिट आइडियाज. हाँ जी, तो हैप्पी वैलेंटाइन डे ऑल ऑफ यू इन एडवांस, और आने वाली जो भी मेरी फैमिली जुड़ने वाली है उनके लिए भी. तो आज के आउटफिट को मैंने कुछ इस तरीके से आपके साथ शेयर किया है कि कॉलेज में जाने वाली लड़की से लेके शादी हो जाने वाली लड़की तक. हाँ जी, जैसा एक कॉलेज में जाने वाली लड़की का माइंडसेट कैसा होगा, है ना, वो आउटफिट आइडिया मैंने रखा है यहाँ पे. फिर उसके बाद कॉलेज जाते हैं, फिर उनको ऑफिस जॉब करने लगते हैं, जो भी जॉब ही मान के चलती हूँ अभी मैं, जॉब करने लगते हैं. फिर शादी हो जाती है तो भी होता है कि हम शादी के बाद कैसे करें, है ना. कुछ लोगों को एथनिक बहुत पसंद होता है तो वो एथनिक के लिए अपने आप को उस दिन वैसे ड्रेसअप करते हैं. तो उन सबको इस वीडियो में मैंने कवर किया है. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू कर. सो सबसे पहला आउटफिट आइडिया मेरे दिमाग में आया जब मैंने सोचा कि स्कूल के बच्चों को कैसे कवर करें, मतलब स्कूल वाली गर्ल्स को, क्यूट क्यूट सी, तो उनके लिए आउटफिट आइडिया क्या हो सकता है. तब मेरे दिमाग में ये आउटफिट आया, जैसा कि आप देख रहे हो. मैंने एक यहाँ पे स्टॉकिंग्स ली है, जो लोग कंफर्टेबल है विदाउट स्टॉकिंग्स के शॉर्ट स्कर्ट पहनने में तो वो आराम से स्टॉकिंग्स को स्किप कर सकते हैं. स्टॉकिंग्स ली है, उसके साथ मैंने यहाँ पे एक स्कर्ट ली है जो कि ब्लैक कलर में है. स्कर्ट ली है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक रेड और वाइट कॉम्बिनेशन में, हाँ जी, क्योंकि वैलेंटाइंस डे का मेन कलर ही यही होता है, वाइट कलर में टी शर्ट ली है. और उस टी शर्ट के साथ मैंने एक्सेसराइज इसको इस तरीके से किया है कि मैंने यहाँ पे एक गोल्डन कलर की नेकलेस पहना हुआ है, उसके साथ एक बटरफ्लाई वाली इयररिंग्स डाली हुई हैं, और इसको पेयरअप किया हुआ है मैंने बूट्स और बैकपैक के साथ, जो कि बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है. और मैंने यहाँ हेयर स्टाइल इस तरीके से एक इसको ना ट्विस्ट कर करके मैंने एक तरफ इधर एक पिन क्लिप कर ली और एक तरफ इधर क्लिप कर ली, ठीक है. और बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है. आप बताना आपको कैसा लग रहा है. तो ये था मेरा फर्स्ट. फिर अब हम आते हैं अपने सेकंड लुक पे. जैसा कि सेकंड लुक मैंने आपको बताया, स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं. तो कॉलेज में क्या होता है कि हम अगर देखो मेरे जैसी लड़की है तो वो उसके माइंड में ऐसे ही होगा, अदरवाइज लोग अलग अलग तरीके से भी, हो सकता है आप क्रॉप टॉप जीन्स पहनते हो, बस एक ओवर कोट वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, एक ये भी हो सकता है. और जो मैंने इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हो ये बताया है कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट फिट जीन्स के साथ एक टर्टल नेक स्वेटर मतलब लिया है, उसके बाद इसके साथ मैंने इयररिंग्स रखी हुई हैं. यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया नेक में कुछ भी, क्योंकि आप अभी देखोगे मैंने यहाँ पे एक वाइट शर्ट पहना हुआ है, ठीक है. तो उसके बाद वो ना हॉच पॉच हो जाता है, फिर वो चीज़ दिखती नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको पहनने की मेरे हिसाब से, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने उसको स्किप किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर से वाइट शर्ट पहनी. तो ऑरेंज कलर का यहाँ से आप मैंने कॉलर ओपन कर रखी हुई है और बहुत प्यारा लग रहा है. और फिर से मैंने हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर ली है, बहुत प्यारा लुक बहुत लग रहा है. तो ये इतना क्यूट लग रहा है, ये क्लिप्स मैंने अभी खरीदी हैं, हेयर क्लिप, और इतनी क्यूट लगती हैं इसको लगाने के बाद, अपने आप फेस थोड़ा और क्यूट क्यूट सा हो जाता है. उसके साथ मैंने एक स्पोर्ट्स शूज़, या आप कम स्नीकर्स भी कह सकते हो, ऐसे ये स्पोर्ट्स शूज़ हैं, इसके साथ पेयरअप किया, और आप देख रहे होगे कि कितना प्यारा लुक लग रहा है. तो इस सेकेंड लुक में मैंने ये एक क्लच कम बैग को पेयरअप किया हुआ है. आप ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे एक साइड की तरह भी लिया हुआ है और यहाँ पे एक बेल्ट की तरह भी यूज़ किया हुआ है, दोनों ही बहुत कूल लग रहे हैं, दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए. आप बताना आपको कैसे लग रहा है. फिर अब हम आते हैं अपने थर्ड लुक पे, जो कि है जैसा मैंने बोला, बहुत से लोगों को एथनिक वेयर करना बहुत पसंद लगता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोग जैसे वेस्टर्न वेयर की तरफ जाते हैं, कुछ लोग इंडियन वेयर की तरफ जाते हैं. तो इसको मैंने अपने माइंड में रखते हुए इस अनारकली
चिकनकारी कुर्ते के साथ इस वाइट कलर के प्लाजो को पेयर अप किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस नेक पीस का यूज़ किया है, उसके साथ मैंने यही वाले इयररिंग्स डाले हुए हैं और जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मैं पहले ना मैंने सोचा था कि मैं सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को यूज़ करूँगी, तो मैंने कहा नहीं, कुछ नया करना चाहिए क्योंकि ये वैलेंटाइन आउटफिट आइडियाज़ हैं, तो उसके साथ वाइट का होना तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है और इसमें वाइट काम वाइट धागे से काम हो रखा है, तो मैंने कहा बहुत अच्छा जाएगा ये नेक पीस पूरा। तो फिर ये वाला मैंने नेक पीस पहन लिया, ठीक है, और मैंने इसमें पोनी कर ली, क्योंकि पोनी कर लो ना तो ये जो नेक पीस है ये निकल के आता है, ठीक है, अच्छे से आप दिखा सकते हो कि अच्छा आपने नेक पीस पहना हुआ है प्यारा सा, ठीक है। कर लिए, हाई पोनी करोगे तो और अच्छा लगेगा जैसा कि मैंने किया हुआ है, और उस पर आप बिंदी लगा सकते हो। देखो, मेरे लिए एथनिक पहनना और उस पर बिंदी ना लगाना कोई सेंस नहीं लगता, मुझे पता नहीं क्यों, मेरा ही अपना पर्सनल चॉइस है, मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बिंदी लगा ली, ठीक है, और एक पर्स ले लिया है, ठीक है। पर्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो, यहाँ पे मुझे ये एक पर्स समझ में आ रहा था कि इसके साथ जा रहा है ब्लैक कलर का, तो मैंने ये ब्लैक कलर का पर्स ले लिया है ना, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ लुक पे। अब आप कॉलेज से जॉब करना शुरू कर चुके हो, अब आप प्रोफेशनल उसमें जा चुके हो, तो यहाँ पे मैंने इस शर्ट को जो मैंने अभी पहन रखी हुई है, रेड मरून कलर की है शर्ट, इस शर्ट को मैंने एक वाइट कलर के ट्राउज़र के साथ पेयर अप किया हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसके साथ मैंने गोल्डन ज्वेलरी पेयर अप की हुई है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पे मैंने इयररिंग्स चेंज कर दिए और नेकलेस वही पहन रखा हुआ है, ठीक है, ये है। उसके बाद मैंने इसको इसके साथ, पहले मैं सोच रही थी मैं इसके साथ बूट्स डालूं, पर मुझे लगा बूट्स उतना जा नहीं रहा है, उतना जच नहीं रहा है इसके साथ, तो फिर मैंने यहाँ पे हील्स डाली और जो कि बहुत एक अपलिफ्ट कर देती है, एक हाइट आपको प्रोवाइड करती है, आपका पूरा पॉस्चर आता है, बॉडी फिगर पूरी निकल के आती है, तो और प्यारा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे पहले मैं कंफ्यूज थी क्योंकि मेरे पास वाइट कलर का भी बैग नहीं है, मुझे बैग लेना है वाइट कलर का। यहाँ पे अगर मेरे पास वाइट कलर का बैग होता तो मैं वाइट कलर का बैग ही यूज़ करती, फिलहाल नहीं था तो मैंने ये वाला बेज और ब्लैक कलर में लिया, क्योंकि हर आउटफिट के साथ चला जाता है, थोड़ा वैसे मुझे कम अच्छा लग रहा है बट ठीक है चलेगा। तो अगर मैं अभी आपको आइडिया ऐसे दे दे रही हूँ कि आप वाइट कलर लेना अगर आपके पास वाइट कलर का बैग है तो, ठीक है। तो बस इस तरीके से मैंने चौथा लुक स्टाइल किया। तो अब हम आते हैं अपने पांचवें और लास्ट लुक पे, जो कि अब आप अगर शादी हो चुकी हो तो अपने हस्बैंड के साथ आप इस तरीके से अगर कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हो, कहीं भी डिनर पे जाना चाहते हो, तो आप इस तरीके से एक रेड कलर की साड़ी स्टाइल कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। रेड कलर तो एक अपने में ही अलग होता है, इसकी तो बात ही अलग होती है, तो आप इसे भी स्टाइल कर सकते हो। अब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लेन एक इयररिंग्स डाल ली हैं और उसके साथ मैंने इसे यहाँ पे हेयर ओपन रखे किया हुआ है, और बाकी नेक में तो मैंने कुछ नहीं पहना, वो मेरा वो मंगलसूत्र था तो मैंने वही डाले रखा, क्योंकि हाथ वाथ में भी इसमें इसलिए मैंने कुछ नहीं पहना क्योंकि फुल स्लीव्स थी तो मुझे लगा नहीं, ठीक है। इसके साथ मैंने हील्स, ऑब्वियसली बात है इसमें हील्स पहनूंगी ही। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, और जल्दी से प्यार दो यार, बहुत मतलब आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ वगैरह देख के मुझे पता चल रहा है, सब्सक्राइबर देख के, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मुझे कम से कम मोनेटाइज तो करवा दो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लव लव, बाय बाय।